हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज़ में था, क्यों अब वो जानते हैं। द सेंटर हैज़ नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी एम्ड एट बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू 5 मिलियन टन्स बाई 2030 एंड मेकिंग इंडिया एन एक्सपोर्ट हब फॉर क्लीन फ्यूल। 5 मिलियन जो टन्स हैं, उससे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है बाय 2030। अब जानते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन और ये ग्रीन अमोनिया होता क्या है। तो सेंटर ने बेसिकली एक पॉलिसी निकाली है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, सिर्फ इम्पोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी। अब जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है, दैट इज अ ग्रे हाइड्रोजन जो एट प्रेजेंट यूज करते हैं, या फिर दूसरी होती है ग्रीन हाइड्रोजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, जो हाइड्रोजन है वो बनती इस तरीके से ही है कि जो वाटर है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब ये स्प्लिट करनी होती है, इसमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। देयर सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड। अगर उस एनर्जी का सोर्स हो फॉसिल फ्यूल्स, तो हम उसको बोल देते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर उसी एनर्जी का जो सोर्स है वो हो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड, हम उसको क्या बोल देते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोलिसिस से जो वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्प्लिटिंग के टाइम पे, अगर उसका सोर्स फॉसिल फ्यूल हो तो उसको ग्रे हाइड्रोजन बोल देते हैं। अगर उसका सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी हो, दैट इज सोलर और विंड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस ग्रे हाइड्रोजन? इस ग्रे हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रही है। दैट इज ऑब्वियसली समहाउ पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। तो हमने उसी चीज़ को तो बंद करना है। तो उसी चीज़ को बंद करने के लिए हम ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी लेकर आए, जिससे सोलर और विंड एनर्जी को यूज करके वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं हाइड्रोजन में, और इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन और ग्रे हाइड्रोजन होता क्या है। पढ़ते हैं हम। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एज वेल एज विंड, विच स्प्लिट्स द वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच इंश्योर्स नो ग्रीन हाउस एमिशन एज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑक्सीजन, मेकिंग इट अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर कार्बन एमिटिंग फ्यूल्स। कार्बन एमिटिंग फ्यूल्स कौन से हो सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो उनकी रिप्लेसमेंट हम किससे कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से। दे आर बींग रिप्लेस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी विच इज मेकिंग हाइड्रोजन एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी आई है। कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं इसकी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड टू टैकल द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल एंड टेक ग्रेटर एडवांटेज ऑफ इंडिया सोलर कैपेसिटी। अभी तक हम किसके ऊपर डिपेंड थे? फॉसिल फ्यूल के ऊपर। बट ड्यू टू द सोलर कैपेसिटी, ड्यू टू सोलर एंड विंड एनर्जी, ये ग्रीन हाइड्रोजन इस चीज को एनहांस कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन विच वुड बी असेंशियल टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज केपेबिलिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हाइड्रोजन है, इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। हमें पता है ये क्लीनेस्ट फ्यूल है, हम इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोल सकते हैं। फ्यूचर फ्यूल, जो हाइड्रोजन है वो एक क्लीनेस्ट फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल है। इट कैन हेल्प इंडिया इन अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को एप्लीकेबल कर देते हैं तो हम नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 वाले टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज इन रेलवेज, लार्ज शिप्स, बसेस, ट्रक्स इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है ग्रीन हाइड्रोजन के। अब हम चलते हैं ग्रीन अमोनिया पे। ग्रीन अमोनिया क्या है? ग्रीन अमोनिया में भी सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें अमोनिया की प्रोडक्शन होती है।
होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की ही, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर अलग हो जाता है। अब ये जो वाटर अलग हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसमें हाइड्रोजन इज सेपरेटेड। नाउ दिस हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद नाइट्रोजन, जब इनको ट्रीट करा जाता है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ट्रीट करा जाता है, विच कंज्यूम्स अलॉट मच ऑफ एनर्जी। अगेन दिस एनर्जी विल बी सोर्स्ड फ्रॉम रीनेबल सोर्स सच एज विंड और सच एज सोलर। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करने में, उस एनर्जी का जो सोर्स है वो होना चाहिए रीनेबल, एंड फिर जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है दैट इज NH3, दैट इज अमोनिया। सो आप पढ़ते हैं, ग्रीन अमोनिया रेफर्स टू अमोनिया विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रोसेस दैट इज 100% रीनेबल एंड कार्बन फ्री। वन वे ऑफ मेकिंग ग्रीन अमोनिया इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वॉटर इलेक्ट्रोलिसिस एंड नाइट्रोजन सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। तो हाइड्रोजन कहां से आ रही है? वॉटर से आ रही है। नाइट्रोजन कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। दीज आर देन फेड इन टू हेबर्स प्रोसेस ऑल्सो नोन एज हेबर्स बॉश। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर रिएक्टेड टूगेदर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रोड्यूस अमोनिया, ऑल पावर्ड बाय सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो क्या होगा? रीनेबल एनर्जी। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अभी जो एक्सप्लेन करा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ताकि अमोनिया बन जाए। हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से। नाइट्रोजन कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। कहां पे ट्रीट हो रहा है? हेबर्स प्रोसेस में ट्रीट हो रहा है। जो एनर्जी लग रही है वो कहां से आ रही है? रीनेबल सोर्सेस से आ रही है, विंड प्लस सोलर एनर्जी। तो दिस वाज अबाउट ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया की थोड़ी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रीन अमोनिया या फिर अमोनिया को हम यूज कर सकते हैं इन फर्टिलाइजर रिलीज, फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब अमोनिया फर्टिलाइजर में हम यूज करेंगे और फर्टिलाइजर स्प्रे कर दिया जाएगा तो वो नाइट्रोजन रिलीज करेगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। द अमोनिया इन द फर्टिलाइजर रिलीजेस नाइट्रोजन विच इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। नाइट्रोजन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज द की एलिमेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कौन से? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दस इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो अमोनिया सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन मेक्स द यूज ऑफ रीनेबल एनर्जी सोर्स सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर पावर एंड विंड टर्बाइन्स। तो मतलब जो सोर्स है वो रीनेबल एनर्जी ही होना चाहिए अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, तभी उसको ग्रीन अमोनिया बोलेंगे, अदरवाइज वो ग्रीन अमोनिया नहीं कहलाएगा। एंड इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजर में जो ये यूज होता है वो नाइट्रोजन का रिलीज करता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। फाइनली वी गोना टॉक दैट व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा है, किसमें? 2021 में। अब आपने इसमें याद क्या रखना है? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मिनिस्ट्री, हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री होती है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो नेशनल हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च इन 2021 विच एम्स टू एड द गवर्नमेंट इन मीटिंग इट्स क्लाइमेट टारगेट्स एंड मेकिंग इंडिया अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब हम जानते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी में है क्या। याद क्या रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, राइट। अब हम इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं, पॉलिसी की फर्स्ट प्रोविजन जानते हैं। फर्स्ट प्रोविजन की पहले बात करते हैं, पहले समझते हैं फिर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन ये बोलती है, सपोज एक स्टेट है जहां पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, जहां पे सोलर प्लांट लगा है, सपोज ये स्टेट है राजस्थान, राजस्थान में सोलर प्लांट लगा हुआ है। अब ये सोलर प्लांट से जो एनर्जी बन रही है इट विल बी ट्रांसमिटेड टू वेरियस स्टेट्स, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू वेरियस स्टेट, सपोज असम में कर दी या फिर कोई भी स्टेट में कर दी। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रही है ये
25 सालों तक फ्री ट्रांसमिशन होगी, दिस विल बी फ्री अंडर दिस पॉलिसी। बट गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी है, गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन रखी है कि ये फ्री ट्रांसमिशन तभी होगी जब जिस स्टेट को भी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाना है वो 2025 से पहले लगाना पड़ेगा, तभी उसको 25 सालों के लिए फ्री ट्रांसमिशन मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी की। आई विल अगेन रिपीट, सपोज एक एग्जांपल ये है, राजस्थान में सोलर प्लांट है, राजस्थान सारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब वो सारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सारी सोलर एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर बोला है कि 25 सालों तक ये ट्रांसमिशन हर स्टेट को फ्री होगी, बट इसकी एक और कंडीशन है कि उन स्टेट्स को पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाना पड़ेगा 2025 से पहले। सो यही इसकी फर्स्ट प्रोविजन है। अब आइए पढ़ते हैं। टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर द प्रोडक्शन कनेक्टिविटी टू ISTS इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम विच मीन्स दैट अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री विदाउट एनी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। क्योंकि अगर ये 25 सालों तक फ्री ना मिला तो उसको पैसे देने पड़ेंगे सोलर एनर्जी दूसरी स्टेट से खरीदने के लिए, जिसको जो गवर्नमेंट है उसने फ्री कर दिया है 25 सालों के लिए, बट 2025 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर प्लांट लगाना पड़ेगा। सो ये इसकी फर्स्ट प्रोविजन है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन और ये ग्रीन अमोनिया बन रहा है, इसकी और क्या क्या चीजें, क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकती हैं, तो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, और इसको यूज कर सकते हैं ऑयल रिफाइनिंग के लिए, एज अ फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर विच आर यूजिंग ग्रे हाइड्रोजन एंड ग्रे अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग नेचुरल गैस। तो अभी तक ये वाले लोग ग्रे हाइड्रोजन और ग्रे अमोनिया को यूज कर रहे हैं जो इनको कॉस्टली पड़ रहा है, जबकि जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है और ग्रीन अमोनिया है ये क्या पड़ सकता है, इनको इकोनॉमिकली ईजी कर सकता है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रे का मतलब क्या है। ग्रे का मतलब है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज नॉट रिन्यूएबल, इट इज कमिंग फ्रॉम बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट कि ये जो चीजें हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, ये कुछ सेक्टर्स को इकोनॉमिकली ईजी कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया, जो अभी तक ग्रे हाइड्रोजन ग्रे अमोनिया यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं, पोर्ट अथॉरिटीज विल प्रोवाइड लैंड एट एप्लीकेबल चार्जेस टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स टू सेट अप बंकर्स नियर द पोर्ट फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सपोर्ट। सपोज कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करनी है, अगर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो हमें पोर्ट के पास क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक जगह चाहिए जहां पे हम इसका प्रोड्यूसर का क्या लगा सके, प्लांट लगा सके। तो ये पॉइंट, ये पॉलिसी हमें ये बोल रही है कि जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं वो इन लोगों को जो प्रोड्यूसर प्लांट लगाना चाहते हैं फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, उनको जो लैंड है वो कम चार्जेस पे दे देगी, और यहां पे ये क्या कर सके, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की स्टोरेज कर सके और फिर उसको एक्सपोर्ट के लिए यूज करा जा सके। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द थर्ड प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव। ये जो हमारे पास नई पॉलिसी आई है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अभी तक जो हमारी यूटिलाइजेशन है हाइड्रोजन की, अभी तक जो हमारी हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशन है दैट इज 6.7 मिलियन टन,
दैट इज 6.7 मिलियन टन, और आगे वाले सालों में वो होने वाली है 11.7 मिलियन टन बाय 2029 एंड 2030। ये 6.7 से 11.7 पे जाने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो इसको, इस डिमांड को पूरा करा जा सकता है किससे? ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी अभी प्रेजेंट डिमांड है 6.7 मिलियन टन, ये अभी तक पूरी हो रही है ग्रे हाइड्रोजन से, बट ये डिमांड इंक्रीज होने वाली है 11.7 तक बाय 2029 एंड 2030। इस डिमांड को, इस टोटल हाइड्रोजन डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द कंट्री, एंड लेटर इस ग्रीन हाइड्रोजन को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो टू द अदर कंट्रीज। और ग्रीन हाइड्रोजन का कोई नुकसान भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्लीनर फ्यूल। दिस इज प्रेफर्ड बिकॉज दिस इज अ क्लीनर फ्यूल। दिस कैन बी यूज फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस टू द अदर कंट्रीज, और ग्रे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी इसके चलते। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हुई? फर्स्ट सिग्निफिकेंस हुई, जो हमारी ये डिमांड है, टोटल हाइड्रोजन डिमांड जो बढ़ने वाली है 2029-30 तक, जो कितनी होने वाली है 6.7 से 11.7 मिलियन टन, उसको क्या कर सकता है? संभाल सकता है। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट के लिए यूज हो सकती है। तीसरी चीज, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इज अ क्लीनर फ्यूल, दिस कैन इजीली रिप्लेस द ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रीन विल बी रिप्लेसिंग द ग्रे हाइड्रोजन, विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर अस। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। वील बी मीटिंग वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।